नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है GRV स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम ALP CVT 2 के लिए जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें हम ट्रेड आपके लिए लेकर आए हैं, जो ट्रेड हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो सिलेबस मेंशन्ड किया गया है DGET के अकॉर्डिंग, उसमें हम जो ट्रेड आप लोगों को बताएंगे वो हमारा होगा RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो हमारा है व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इससे संबंधित हमारी यूनिट क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसे बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी होती है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग व्हाट इज रेफ्रिजरेशन में करेंगे। फिर दोस्तों, रेफ्रिजरेशन को जानने के बाद हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेशन तो हमारा मिल गया, हमने फ्रिज तो बना ली, लेकिन उसके बाद हम उसमें किस प्रकार का रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। रेफ्रिजरेंट में व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है और किस प्रकार हम रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड टॉपिक हम आपको सबसे लास्ट में डिस्कस कराएंगे जो कि यहाँ पर मेंशनड है। अगली बात हम करते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे कुछ हीट इंजन से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासेस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम देखेंगे किसमें हमारी इफिशियंसी आती है और किसमें हम COP का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासेस स्टेटमेंट में सिमिलरिटी है या नहीं है, इन चीज़ों का अध्ययन भी हम करेंगे। दोस्तों, ये हीट इंजन जिन्होंने हीट इंजन सिलेबस मेंशन किया है हमारे ALP CVT 2 में, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी चाहें तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। फिर दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक स्टेटमेंट के थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे और दोनों स्टेटमेंट के थ्रू हम सवालों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे। और दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन यदि आप ले रहे हैं तो टेक्निकल एजुकेशन यदि आप इंग्लिश में लें तो इट इज़ गुड, बट अगर आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पूरी तरह से बता सकें। फिर दोस्तों, हम लोग आएंगे साइकिल्स पे। साइकिल्स में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों VCRS साइकिल। सबसे पहले VCRS मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और VCRS साइकिल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारा TS डायग्राम क्या होता है, PH डायग्राम क्या होता है, और उनसे किस प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चन रेलवे आपके लिए उठाएगा। दोस्तों, उसके थ्रू आपसे रेलवे COP, इफिशियंसी, वर्क, एनर्जी, सभी प्रकार की चीज़ें आपसे रेलवे पूछ सकता है। फिर दोस्तों, हम लोग VCRS साइकिल्स के इफ़ेक्ट परफॉर्मेंस और उनमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे, इफ़ेक्ट एंड परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ VCRS साइकिल्स। फिर दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल पे आएंगे, मल्टी कंप्रेशन या कैस्केड ही इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मल्टी कंप्रेशन, इसका मतलब इसमें कंप्रेशर हमारा दो या तीन से चार बार वर्क करेगा, इसमें 2 से 3 से 4 से ज़्यादा कंप्रेशर लगेंगे, अगर 1 से ज़्यादा भी लग गया तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मल्टी। और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे किस प्रकार से हमारे कंप्रेसर लगाने से वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो मेंशन है वो है VARS साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये अमोनिया इस साइकिल में यूज की जाती है एज अ रेफ्रिजरेंट, और अमोनिया क्यों यूज की जाती है, इसके जगह पे अन्य कोई चीज़ क्यों नहीं यूज की जाती है, इसका अध्ययन हम करेंगे दोस्तों VARS साइकिल के अंदर। फिर दोस्तों, हम अपने अगले साइकिल पे चलते हैं, तो जो हमारा है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आप सभी लोग अपने घर में तो यूज करते होंगे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज करते होंगे, लेकिन उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस कंप्रेसर में नहीं भरी जाती है, इन चीज़ों का अध्ययन के लिए हमें जानना होगा गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोस्तों क्या होता है। और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जब हम लोग जान लेंगे तो हम अपने घर में भी कैपेबल हो जाएंगे बताने के लिए कि हाँ पापा, इसमें क्या भरा हुआ है। फिर दोस्तों, हम अपना जो अगला टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो साइकोमेट्री के अंतर्गत हम देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोस्तों क्या होता है, DBT वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, और इसके अंतर्गत हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट का भी अध्ययन करेंगे। और साइकोमेट्रिक चार्ट में हम देखेंगे कि हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सभी चीज़ें क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा रेलवे ALP CVT 2 के दृष्टिकोण से। फिर दोस्तों, हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेंट, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि हम आपको पहले ही बताएंगे कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, और फिर यहाँ रेफ्रिजरेंट में जब हम लोग आएंगे तो रेफ्रिजरेंट से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट किस प्रकार से होते हैं, कौन से रेफ्रिजरेंट हम लें, कौन से रेफ्रिजरेंट हम ना लें, कौन से रेफ्रिजरेंट हमारे यूजफुल हैं, कौन से रेफ्रिजरेंट हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे रेफ्रिजरेंट के अंतर। उसके बाद दोस्तों, हम डिजिग्नेशन डिफाइन करेंगे रेफ्रिजरेशन का। डिजिग्नेशन में हम क्या देखेंगे, किस
रेफ्रिजरेटर या किस रेफ्रिजरेंट का हम किस प्रकार से नामनक्लेचर कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम तो सभी प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होने वाले रेफ्रिजरेंट्स का डिजिग्नेशन करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी हैं। फिर दोस्तों सबसे लास्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे बेस्ट क्वेश्चन सेट, जो कि हमारे ALP के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि संभवतः सभी क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन या प्रोबेबली 70% क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा सकूँ, और ये होगा आपका अगर साथ रहा तो। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, और यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो, यदि आप चाहते हैं कि हम वीडियो को चालू करें, और हम एक चीज़ की और आपको गारंटी देना चाहते हैं कि दोस्तों यदि अगर हमारे सब्सक्राइबर 1,000 हो जाते हैं तो हम वीडियो को अपने डालना शुरू कर देंगे। और दोस्तों ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि जो हमारा GRV स्टडी चैनल बना है केवल आप लोगों के लिए बना है। आप लोग अपने घर में, अपने समाज में एक ऊंचाई पर पहुंच सकें, एक दृष्टिकोण अपना लिए बना सकें अलग से, उसके लिए हमने स्टडी चैनल लॉन्च किया है। बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम थी कि कोई भी RAC नहीं पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे कोई भी ट्रेड संबंधी जानकारी नहीं दे पा रहा है, तो हमें समय मिला, रेलवे के द्वारा हमें समय मिला, तो हमने सोचा कि लाइए आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें हमें, और हम आपके साथ जुड़ें, और आप हमारे भी साथ जुड़ें, और हम लोग आपके साथ लेकर आएंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यदि हमारे 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम के 20, 21, 22, 23 डेट के 10 दिन पहले अर्थात 10 जनवरी तक आपको ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट मिलेगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।